हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास इंग्लिश। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट आवर चैप्टर नंबर 2, द साउंड ऑफ म्यूजिक, पार्ट 1। एवेलियन ग्लेनी लिसंस टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। मींस जो एवेलियन ग्लेनी है वो साउंड को सुनती है बिना सुने। अब बिना सुने वो कैसे सुनती है ये हम देखेंगे चैप्टर में। सो ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 17। क्लियर? बिफोर यू रेड, God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. तो अब आप सबने भी सुना होगा, अगर भगवान किसी से एक शक्ति ले लेता है किसी चीज की, तो उसे कुछ कोई दूसरी ऐसी पावर दे देता है जो किसी के भी पास नहीं होती। सेम ऐसे ही ये जो बच्ची थी एवेलियन ग्लेनी, इसकी जो है सुनने की शक्ति चली गई थी। ठीक है, मीन्स ये सुन नहीं सकती थी, बट भगवान ने ऐसा कुछ उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज दे दी जो बहुत ही ज्यादा अद्भुत थी। ठीक है, बट वी हियर शी फील्स, हम जो भी सुनते थे ना, अब वो तो नहीं सुनती थी, अब हम लोग सब सुन सकते हैं, वो नहीं सुन सकती थी, तो वो क्या करती थी, वो फील करती थी फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस। और वो इतना अच्छा फील करती थी कि हम सुनने वाले लोग भी इतना फील नहीं कर पाएंगे उस चीज को, जिस चीज को वो बिना सुने ही फील कर लेती थी। दैट इज वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटिफुली। इसलिए जो वो अपना म्यूजिक एक्सप्रेस करती थी वो बहुत ब्यूटिफुली एक्सप्रेस करती थी। रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ अ पर्सन हू फाउट अगेंस्ट फिजिकल डिसएबिलिटी। अब हम जो है उसी पर्सन के बारे में पढ़ेंगे जिसने डिसएबिलिटी, उसके अंदर एक तरह की डिसएबिलिटी थी कि वो सुन नहीं सकती थी, उसकी तो डिसएबिलिटी होगी ना, वो इसके अगेंस्ट कैसे लड़ी एंड मेक हर लाइफ अ सक्सेस स्टोरी। इसके बावजूद कि वो सुन नहीं सकती थी, उसने अपनी लाइफ को एक बहुत ही सक्सेस स्टोरी बनाया, बहुत ही ज्यादा उसको सफलता मिली। रश आर क्राउड्स जोसल फॉर पोजिशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। आप सबने देखा होगा कि जब ट्रेन आने लगती है, ट्रेन की आवाज सुनने लगते हैं, ट्रेन आने लगती है, तो जितने भी लोग होते हैं जिन्होंने ट्रेन पर चढ़ना होता है, सब प्लेटफॉर्म के ऊपर एकदम से इकट्ठे हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं और भीड़ सी लग जाती है। सेम ऐसे ही हुआ था कि जो है ट्रेन आ रही थी तो प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत ही ज्यादा क्राउड इकट्ठा हो गया, भीड़ इकट्ठी हो गई। अ स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स। वो एक छोटी सी बच्ची थी तो 17 साल की, बट वो उससे भी कम उम्र की लगती थी। बोस नर्वस येट एक्साइटेड एज शी फेल्ट द वाइब्रेशंस ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन। वो बहुत ही नर्वस भी थी और बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड भी थी। क्यों? क्योंकि जो ट्रेन की जो वाइब्रेशंस होती है वो उनको फील कर पा रही थी, सुन तो नहीं सकती थी बट वो ट्रेन की वाइब्रेशंस को फील कर पा रही थी वो बच्ची। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टीजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंडन एंड डोंटिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फार्म। अब ये जो है, आज जब ट्रेन आ रही थी प्लेटफॉर्म की, जो ये बात बता रहे हो, कह रहे ये उस बच्ची का आज का पहला दिन था कि वो जो है एक बहुत ही प्रेस्टीजियस एकेडमी है, बहुत ही महत्वपूर्ण एकेडमी है। किसकी? लंदन की। कौन सी एकेडमी है? रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक लंदन की, बहुत ही प्रेस्टीजियस एकेडमी है। वहां पर उसका पहला दिन था उस एकेडमी में, और वो जो है ऑब्वियसली किसी भी छोटी सी बच्ची का जो एक 17 साल की है, किसी इतनी बड़ी सी प्रेस्टीजियस एकेडमी में पहला दिन हो, वो घबराई हुई तो होगी, वो थोड़ी सी घबराई हुई भी थी और नर्वस भी थी। क्यों? क्योंकि वो जो है एक स्कॉटिश फार्म से आई हुई थी। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज देन मोस्ट, शी वॉज प्रोफाउंडली डीफ। बट ये जो एक वो लड़की क्या थी, वो म्यूजिशियन थी, क्योंकि वो वहां पर जो है उसका पहला दिन था जो एकेडमी में, वो जो है एक बहुत ही होता है ना, उसके फेस पर एक बहुत ही बड़ा चैलेंज भी था, क्यों उसके लिए तो चैलेंज ही हो गया ना। जैसे आप टीवीज में भी देखते हो इंडियन आइडल वगैरह के जो ऑडिशन आते हैं, उसमें कई बच्चे आते हैं, वो घबराए हुए भी होते हैं, बट कहीं ना कहीं उनके फेस पर एक
एनर्जी भी होती है जिससे वो चैलेंज फेस करने के लिए आते हैं। कभी भी उनका फेस देखा करो, बहुत ही चैलेंजिंग वे वाला उनका फेस होता है। ऐसे ही उस बच्ची का था, क्योंकि आज जो है उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, ठीक है। और वो जो है डीफ थी, मतलब कानों से नहीं सुन सकती थी। एविलियन ग्लेनी'स लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। जो एविलियन ग्लेनी थी, ऐसा नहीं है कि वो बचपन से ही नहीं सुन सकती थी, उसने अपनी सुनने की शक्ति धीरे धीरे खोई थी। हर मदर रिमेम्बर्स नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग वेन द 8 ईयर ओल्ड एविलियन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो। अब उसकी मदर को याद है, जब उसकी मदर ने कुछ नोटिस किया था, जब वो जो है क्या कर रही थी, राइट, वे इंतजार कर रही थी पियानो को प्ले करने के लिए, ठीक है। उन्होंने क्या नोटिस किया कि कुछ तो गलत है। अब वो क्या गलत है, दे कॉल्ड हर नेम। अब उसकी मदर ने अपनी बच्ची का नाम बुलाया, एंड शी डिडंट मूव, और वो बिल्कुल भी नहीं हिली। अब कोई हम किसी बच्चे का नाम बुलाएं, वो बिल्कुल भी ना सुने ना हिले, छोटी सी बच्ची थी, तो एक मदर को होगा ना भाई कुछ तो गलत है कि ये सुन नहीं रही है। आई सडनली रियलाइज शी हैड नॉट हर्ड सेज इसेबल ग्लेन। तो अब जो उसकी मदर थी, मदर को अपने बच्चे की हर चीज का फील हो जाता है, पता लग जाता है। उसकी मदर थी इसेबल ग्लेनी, तो वो बोली कि मेरे को उसी टाइम रियलाइज हो गया कि मैंने इसका नाम बुलाया है, बट इसने जो है वो चीज नहीं सुनी, इसलिए ये अपनी जगह से बिल्कुल भी मूव नहीं हुई। फॉर क्वाइट अ व्हाइल एलियन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डीफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर। अब जो एविलियन थी, जैसे जैसे करके कुछ टाइम के लिए उसने मैनेज कर लिया कि अपने फ्रेंड से भी वो, फ्रेंड्स जो होते हैं उनसे भी वो छुपाती रही कि मेरे को जो है सुनना बंद हो गया है, और अपने टीचर्स से भी वो छुपाती रही। अब ज्यादा टाइम तक तो वो नहीं छुपा सकती थी, कुछ ही टाइम के लिए जो एविलियन थी वो अपने फ्रेंड्स से, अपने टीचर से अपनी डीपनेस को छुपाती रही। बट बाय द टाइम शी वॉज 11 हर मार्क्स हैड deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a specialist। तो अब हुआ क्या, अब धीरे धीरे वो जो है एक 11 साल की थी, अब धीरे धीरे क्या हुआ, उसके जो मार्क्स आते थे स्कूल में वो बहुत ही कम मार्क्स आने लग गए, ठीक है। और उसकी जो हेड मिस्ट्रेस है, अब कम मार्क्स आते हैं तो क्या होता है, जो प्रिंसिपल होता है या हेड मिस्ट्रेस होती है, मास्टर होता है, वो पेरेंट्स को बुलाता है। सेम ऐसे ही उसके साथ हुआ, उसके कम मार्क्स आए स्कूल में, उसके पेरेंट्स को बुलाया गया, और जो हेड मिस्ट्रेस थी स्कूल की, उसने उन्हें क्या बोला कि आप जो है अपनी बच्ची को एक स्पेशलिस्ट को जाकर के दिखाइए। इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज सेवरली इम्पेयर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअली नर्व डैमेज। तो अब हुआ क्या, एकदम से तो उसकी जो हियरिंग की जो पावर थी खत्म हुई थी, धीरे धीरे क्या हुआ, जो नर्व होती है, ठीक है, वो उसकी जो है कंप्लीटली डैमेज हो गई थी, और अब वो 11 साल की थी, उसे सुनना बिल्कुल भी बंद हो गया था, ठीक है, अब उसे कंप्लीटली सुनना बंद हो गया था। और ये काम एकदम से नहीं हुआ, धीरे धीरे हुआ था। दे वर एडवाइज्ड दैट शी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स एंड सेंट टू अ स्कूल फॉर द डीफ। तो अब बच्ची को डॉक्टर के पास ले जाएगा, डॉक्टर ने क्या एडवाइस करना था कि जो कानों में सुनने वाली मशीन आती है इसको वो लगवाई जाए, और उसके बाद जो है इसे एक डीफ बहरे बच्चों का जो स्कूल होता है वो अलग भी होता है, ठीक है, या फिर उसे जो है एक हियरिंग एड्स लगा करके उसे जो है स्कूल में भेज दिया जाए। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज एविलियन। अब एविलियन के लिए क्या होगा, जो उसकी इतनी अच्छी भली जिंदगी थी, उसको एकदम से सुनना बंद, धीरे धीरे एकदम ही सुनना बंद हो जाएगा सारा, ठीक है, धीरे धीरे हल्का हल्का सुनना बंद हुआ, बट आज एक टाइम ऐसा हुआ जब उसे पूरा सुनना बंद हो गया, तो उसकी आंखों के आगे एक तरीके से अंधेरा ही आ गया, सब कुछ ब्लैक ब्लैक सा ही उसको दिखने लग गया। बट एविलियन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। बट एविलियन ने गिव अप नहीं करा, शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ। वो जो है बिल्कुल एक उसने दृढ़ निश्चय कर रखा था कि मैं ऐसी जिंदगी नहीं जीऊंगी जैसे और नॉर्मल लोग जिंदगी जीते हैं, चाहे मेरे में हियरिंग की डिसेबिलिटी आ गई है, बट मैं अपनी जिंदगी वैसी ही जीऊंगी जैसे और नॉर्मल लोग जीते हैं।
एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक. और जो एबिलियन का म्यूजिक में इंटरेस्ट था, डीप होने के बावजूद भी उसने अपने इंटरेस्ट को जारी रखा. वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ एक्सेलोफोन एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू. एक दिन उसने देखा कि एक लड़की जो है वो ज़ाइलोफोन, एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट होता है, वो बजा रही है. तो उसको देख करके एविलियन ने भी डिसाइड करा कि भाई मैं भी इसको बजाऊंगी. मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर, बट परकुशनिस्ट रोन फोरबर स्पॉटेड हर पोटेंशियल. अब क्या हुआ, जितनी टीचर्स थी सबको पता था कि डीप है, सबने जो है उसको डिस्करेज कर दिया, लाइक हाँ तो स्ट्राइक कर दिया, नहीं नहीं तुम रहने दो, तुम नहीं बजा सकती. ठीक है, वो बजाना चाहती थी, बट वहां के जो है एक प्रीकोशनिस्ट होते हैं जो तबला वादक होते हैं, तबला वादक थे, उनका नेम था रोन फोरबर्स. उन्होंने जो है उस बच्ची के अंदर जो पोटेंशियल था, जो उसके अंदर जो काबिलियत थी, उसको कहीं ना कहीं ऑब्जर्व कर लिया था, पहचान लिया था. He began by tuning two large drums of different notes. और उन्होंने क्या करा, दो बड़े बड़े ड्रम्स थे, उनको जो है अलग अलग नोट पर बजाना शुरू कर दिया. ठीक है, एक को अलग नोट पर, फिर दूसरा अलग नोट पर. म्यूजिक के भी तो नोट्स होते हैं ना, कि हाई बजाना है या लो बजाना है. ठीक है, ये एक उसमें बजाना है, तो अलग अलग नोट, दो अलग अलग नोट पर उन्होंने बजाना शुरू कर दिया. Don't listen through your ears, he would say. Try to sense it some other way. और says Avilion. तो उन्होंने जो है Avilion को कहा कि इसे अपने कानों से सुनने की कोशिश मत करो, इसे जो है तुम कैसे सुनो, इसे अपनी जो है सेंस करके, फील करके, किसी और तरीके से सुनने की कोशिश करो. Try to sense it some other way, says Avilion. Suddenly I realized, जब वो बता दिया, फिर जब उन्होंने मुझे कहा कि तुम इसे कानों से सुनने की कोशिश मत करो, अपने जो है किसी और तरीके से सुनने की कोशिश करो, अचानक वो कहती मुझे रियलाइज हो गया, I could feel the higher drum from the waist up, कि जो हाई नोट बज रहा था उसे मैं वेस्ट के, जो कमर के ऊपर वाला पार्ट होता है, वहां से फील कर पा रही थी. एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन, और जो लोअर नोट बज रहा था उसे मैं कमर के नीचे वाले पार्ट से फील कर पा रही थी. डोंट लिसन, आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन. फोरबर्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, और जो फोरबर्स थे वो भी हाई नोट पे, कभी लो नोट पे जो है इस एक्सरसाइज को रिपीट किए जा रहे थे, बजाए जा रहे थे. एंड सून Avilion डिस्कवर्ड दैट, और जल्दी ही Avilion ने इस चीज को डिस्कवर कर लिया, खोज लिया. शीश कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी, की वो जो है नोट्स को जो है अपनी सुन तो नहीं सकती, बट बॉडी के डिफरेंट पार्ट से वो फील कर सकती है, उनको सेंस कर सकती है. आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशन. तो अब उसने ये चीज सीख ली कि मुझे जो है अपने दिमाग को खुला रखना होगा. किसके लिए खुला रखना होगा, अपने दिमाग को और अपनी बॉडी को. जो साउंड्स होती हैं, जो वाइब्रेशंस होती है, उनको सुन तो नहीं सकती, पर दिमाग खुला रखेगी ताकि वो अपनी बॉडी से उन वाइब्रेशंस को फील कर पाए. द रेस्ट वॉज शियर डिटर्मिनेशन एंड हार्डवर्क. और बाकी अब उसे पता लग गया था मेरे में क्या क्वालिटी है, मैं सुन नहीं सकती, फील कर सकती हूँ. अब बाकी काम किसका था, बाकी काम तो Avilion का था ना, उसकी उसमें कितनी लगन है म्यूजिक के लिए, ये कितना हार्डवर्क है. और बाकी काम जो है उसकी लगन और हार्डवर्क का था, मेहनत का था. शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड, और उस दिन से Avilion ने कभी भी पीछे मुड़ करके नहीं देखा. She toured the United Kingdom with a youth orchestra and by the time she was 16, she had decided to make music her life. और उसने जो है क्या करा, जब वो उसने orchestra सीख लिया था, कब, she toured the United Kingdom with a youth orchestra by the time, जब वो 16 साल की थी. ठीक है, जब 11 साल की थी उसको पता लग गया था ना, उसको सुनाई नहीं देता, उसके बाद उसे ये पता लग गया कि मैं जो है म्यूजिक को फील कर सकती हूँ, और उसके बाद जो है वहां से उसने कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा. उसके
बाद से उसने जो है ऑर्केस्ट्रा सीख लिया जब वो 16 साल की थी. शी हैड डिसाइडेड टू मेक, और उसने डिसाइड कर लिया कि अब मैं म्यूजिक को ही अपनी लाइफ बनाऊंगी, अपनी जिंदगी बनाऊंगी. शी ऑडिशन फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाइएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ अकेडमी. उसने जो है रॉयल अकेडमी जो म्यूजिक की थी, हमने पहले पढ़ा था कि वो लंदन की जो प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी थी उसने वहां पर अपना ऑडिशन दिया और उसको इतने अच्छे मार्क्स मिले कि आज तक की पूरी म्यूजिक हिस्ट्री के रिकॉर्ड में इतने मार्क्स जो है किसी को भी नहीं मिले. शी ऑडिशन फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाइएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द अकेडमी. शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस. जैसे आप सबको पता है उसने ऑर्केस्ट्रा बजाना सीख लिया था, ठीक है, ऑर्केस्ट्रा भी बजाती थी. उसके बाद उसने जो है सोलो परफॉर्मेंस, खुद की अकेले की परफॉर्मेंस देना स्टार्ट कर दिया था. At the end of her 3 years course, she had captured most of the top awards. अब जैसे उसका जो 3 years का कोर्स था, उसने अपने 3 साल के कोर्स में जो है वो जो बड़े बड़े टॉप अवार्ड्स होते हैं उन सबको जीत लिया था. एंड फॉर ऑल दिस एविलियन वोंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट. और इन सब के लिए जो है एविलियन जो थी उसने जो है एक उसका सारे टॉप अवार्ड्स जीत लिए थे. इसका मतलब ये नहीं था उसने जो है एक हीरो वाली जो हीरोइक जो अचीवमेंट होती है उसको अचीव कर लिया था. इफ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर. अगर तुम जो है मेहनत, बहुत ज्यादा मेहनत करते हो और तुम जानते हो कि तुम किस जगह जा रहे हो, किस रास्ते पर जा रहे हो, ठीक है, यू विल गेट देयर, तुम्हें वो चीज मिल जाती है. एंड शी गोट राइट टू द टॉप द वर्ल्ड्स मोस्ट साउट आफ्टर मल्टी परकोशनिस्ट विद अ मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल. और उसने जो है उसके बाद भी जो है पूरी वो एक मल्टी, जिसे कहते हैं ना, वो मल्टी कैलेंटिक बन गई थी. बहुत सारी म्यूजिक के जो अलग अलग तरीके के जो म्यूजिक होते हैं उसने सब सीख लिया था, उनके ऊपर एक तरीके से मास्टरी हासिल कर ली थी. और उसका शेड्यूल जो था, सारे इंस्ट्रूमेंट, बहुत कई हजारों इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उसने उन सबको सीखा. और उसका जो शेड्यूल था वो इतना ज्यादा हेक्टिक हो गया था. क्यों? क्योंकि उसे जो है बिल्कुल इंटरनेशनल, मतलब अपने देश के बाहर भी जाना पड़ता था, ठीक है, इंटरनेशनल के लिए भी जाना पड़ता था परफॉर्मेंस देने के लिए. इट इज इंट्रीग्यूइंग टू वॉच एविलियन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग. अब सब लोगों के लिए जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होता था. अब कोई टीवी में भी आए, कोई किसी को किसी तरह की डिसेबिलिटी हो, ठीक है, होता है ना, आप देखते हो कोई ब्लाइंड भी होता है फिर भी वो बहुत अच्छे से गाता है या फिर कोई और उसमें टैलेंट होता है. अब जब वो बाहर जाती थी तो और लोगों के लिए ये चीज बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होती थी कि एक ऐसी बच्ची को देखना जो सुन तो नहीं सकती लेकिन बहुत अच्छा म्यूजिक प्ले कर सकती है. उसने एक तरीके से मास्टरी हासिल कर ली थी म्यूजिक पर. इन आवर 2 आवर डिस्कशन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड. और 2 घंटे के डिस्कशन में वो एक वर्ड भी मिस नहीं करती थी. Men with bushy beards give me trouble, she laughed. अब उसने जो है हंस करके बोला कि वो आदमी जिनकी थोड़ी थोड़ी सी बुशी जो बियर्ड दाढ़ी होती है मुझे वो मुश्किल में डाल देते हैं, ट्रबल में डाल देते हैं. इट इज नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट्स द होल फेस स्पेशली द आईज. ये केवल उसके लिप्स को हम नहीं देखते थे कि वो बोल रही है, लिप्स से जो है बोल रही है या फिर म्यूजिक प्ले कर रही है, ये पूरे फेस से उसको जो है देखा जाता था, स्पेशली आईज से. शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद अ स्कॉटिश लिप. वो जो है उस लिप का मतलब होता है जो बोलने का जो एक आपका तरीका होता है, वे ऑफ स्पीकिंग. वो जो है बिल्कुल फ्लॉलेसली बोलती थी, पूरे अच्छे पूरे फ्लो में बोलती थी. माई स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11, शी सेड. उसने बोला कि मेरी स्पीच इसलिए क्लियर है क्योंकि मैं 11 साल तक कुछ ना कुछ सुन सकती थी, क्योंकि 11 साल के बाद ही उसकी जो हियरिंग लॉस गई थी ना कंप्लीटली. उससे पहले तो वो कुछ धीरे धीरे उसकी हियरिंग कैपेबिलिटी जो थी वो गई थी, और वो इसलिए उसकी स्पीच अच्छी थी क्योंकि वो 11 साल तक सुन सकती थी.
बट दैट डजंट एक्सप्लेन, बट इस चीज को कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जैपनीज, की कैसे उसने जो है 11 साल तक में फ्रेंच भी पूरी अच्छी तरीके से सीख ली और जो जापनीज लैंग्वेज होते बेसिक जापनीज लैंग्वेज पर भी जो है उसने मास्टरी हासिल कर ली थी 11 साल की उम्र में, इसको कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता. तो स्टूडेंट दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो, रिमेनिंग चैप्टर वी विल स्टडी इन आवर नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय, टेक केयर.